कन्या राशि वालों, 2021 में आपका भाग्य सौभाग्य में बदल जाए इसके लिए आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल आप लोग बहुत तरक्की करेंगे, लेकिन अगर आप लोग अपना घमंड का त्याग नहीं करेंगे तो जमीन पर भी आपको ही आना होगा। कन्या राशि वालों, इस बात का ध्यान रखें कि इस साल आपको ये कार्य नहीं करने हैं। इस साल आपको सरकारी नौकरी, स्वास्थ्य, धन, संतान, विद्या सब कुछ हासिल होगी, लेकिन सब्र बहुत जरूरी है। इस साल आपको भाग्य स्थान पे 50 अंक मिलते हैं। जो भी आप कार्य करेंगे आपके बन जाएंगे, लेकिन आपको ना करने के जो काम हैं उन पर ध्यान दीजिए। आप लोग में एक कमी है जिसको दूर कीजिए। ये आपका समय ही नहीं आपका जीवन भी बिगाड़ देती है। आपसे कोई प्रशंसा से थोड़ी देर कोई बात कर ले तो आप लोग उसके ऊपर तन मन धन से सब कुछ निछावर करने को तैयार हो जाते हैं। गलत बात है भाइयों। अगर इस साल आपने ऐसा किया तो आपका विनाश तय है। विश्वास कीजिए अगले व्यक्ति के ऊपर, लेकिन कितना करना है ये आपको सोचना होगा। आंख बंद करके किसी कागज पे साइन ना करें। आपके पास बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। अब आपके दुश्मन भी इस साल बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस साल शनि जो है और गुरु नीच भंग योग बना रहे हैं। नीच भंग योग बनाने से आपको धन की तो प्राप्ति होगी होगी, आपके घर में संतान की भी प्राप्ति होगी, वाहन की भी प्राप्ति होगी, लेकिन आप अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे, तो आपसे ये सब कुछ छिन भी सकता है। दिखावा ना करें। कन्या राशि वालों, आपको दिखावा बहुत पसंद है। दिखावे के कारण आप कर्ज में डूब जाते हैं। अगर आप कर्ज में डूब गए तो इस साल आपको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दिखावे से बचें, ये साल आपका बहुत बढ़िया जाने वाला है। आपके विवाह योग होने के पूरे चांसेस हैं। 70% कुंवारे लड़कों के कन्या राशि वालों का विवाह इस साल में हो जाएगा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इस साल। कन्या राशि वालों, जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, किस्मत पे ज्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तो इस साल आप कामयाब नहीं हो सकते। 2021 में मेहनत की राशि कन्या राशि है। इस साल आप लोग जो कुछ कमाएंगे वो मेहनत से ही कमाएंगे। एक बात और है, जरा खुश हो जाइए, आपके बाबा बनने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आप धार्मिक बनने के बहुत चांसेस हैं कि आप धार्मिक वीडियो देखेंगे,
और धर्म की राह पे चलेंगे, ये आपके लिए बहुत बड़ा है। इस साल आप धन ही धन कमाएंगे, संतान भी प्राप्त होंगे। जो आपके अंदर कमियां हैं उनको आप अगर दूर कर लेंगे तो ये साल आपका सबसे बढ़िया जाने वाला है। पिछले कई वर्षों से जो कुछ आपने खोया है वो इस साल आपको मिल सकता है। प्रथम आपको अहंकार का त्याग करना पड़ेगा। अहंकार तो रावण का भी नहीं चला, तो हे कन्या राशि वालों, आपका तो क्या, रावण का नहीं चला तो आपका कहां से चलेगा। इस साल आपको मेहनत की राशि जो है वो कन्या राशि है। कन्या राशि वालों को इस साल धन सुख समृद्धि हर एक चीज से भगवान शनि देव, दूसरा बृहस्पति देव विराजमान है, जो कि नीच भंग योग बना रहे हैं। धन ही धन बरसेगा, खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन आप अपनी आदतों से ये सब चीजें खो भी सकते हैं, इसलिए इस साल अपनी आदतें बदलें और अपने भाग्य को सौभाग्य में बदल दें। कन्या राशि वालों का क्या है राज और क्या है राज का राज।